मुझे लगता है कि ये बिल तो पहले की सरकारों को ही पास कर देना चाहिए था, लेकिन पहले ये बिल नहीं आया, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। और आज जब हमारे मोदी जी की सरकार में ये बिल आया है और सभी लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर विपक्ष को राजनीति दिखती है तो मुझे लगता है कि विपक्ष, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पूरी तरह से दिशाहीन हो चुका है। क्योंकि ये बिल आने से आप देखिए कि सिनेमा उद्योग से जुड़े हुए सिर्फ निर्माता, सिर्फ निर्देशक, सिर्फ कलाकार ही नहीं, वो सभी लोग जो इस उद्योग के चलते पूरे देश में रोजगार उनको मिलता है, चाहे वो सिनेमा हॉल में आप देख लीजिए, चाहे सिनेमा हॉल के बाहर जो दुकानें लगाते हैं उनको देख लीजिए, तो उन सभी लोगों के लिए आज ये अहम बिल आया है और इसको मंजूरी मिली है। पर विपक्ष को भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो विपक्ष का कुछ नहीं कर सकते। निश्चित रूप से मान लेना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं ना कि जो गलती बाप ने किया वो गलती आप मत करो, जो गलती बाप ने किया वो गलती आप मत करो। अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, वहां जाके बैठो और हनुमान चालीसा का जाप करो और भगवान से कहो कि हे प्रभु, राम भक्तों का खून माफ करो। मुझे ऐसा लगता है कि ये होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी उनको राजनीति दिखती है विपक्ष वालों को, तो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस देश में जब भी कुछ अच्छा हो रहा है, जब अच्छा होने जा रहा है, तो उसमें ये विपक्ष के लोग अड़ंगा लगाने पहुंच जाते। पर निश्चित रूप से, जैसा कि माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, तो निश्चित रूप से जो भी फैसला आएगा वो होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा जब फैसला आया तो राम जन्मभूमि पे आज हमारा प्रभु श्री राम का मंदिर बन के तैयार है, वैसे यहाँ भी जैसे फैसला आएगा यहाँ भी बनेगा।